दोस्तों आप में से कई सारे व्यूअर्स वीडियो क्रिएटर्स होंगे, कई सारे व्यूअर्स यहाँ पे यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाते होंगे, कई सारे यहाँ पे शादी पार्टीज को शूट करते होंगे दोस्तों, और कई सारे यहाँ पे बड़े जो इवेंट्स होते हैं उनको शूट करते होंगे। तो ऐसे में हमारी जो रिक्वायरमेंट है गैजेट्स की वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, हमको तरह तरह की एक्सेसरीज की जरूरत पड़ती है, स्पेशली वीडियो को स्टेबल कैसे करें दोस्तों। तो ऐसे में अगर मोमेंट्स में आप वीडियोज़ को बना रहे हो और ऐसे में आपको मतलब बिल्कुल झटके आ रहे हैं वीडियोज़ में, तो उसको कैसे आप बिल्कुल रिमूव कर सकते हो, वीडियोज़ के जो बिल्कुल झटके हैं ना उसको कैसे रिमूव करना है, तो ऐसे में हमको वीडियो स्टेबलाइजर की जरूरत पड़ती है। तो इस चीज के लिए आपके पास में गिम्बल का एक ऑप्शन निकल के आता है, लेकिन वो काफी कॉस्टली है दोस्तों। तो कम दाम में आप वीडियो स्टेबलाइजर कौन सा यूज करें, किस तरीके से यूज करें, वो सारी चीजें मैं आज आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं दोस्तों। मेरे पास में यहां पे एक वीडियो स्टेबलाइजर है जिसका यहां पे ये बैग है दोस्तों, फ्लाईकैम 3000 वीडियो स्टेबलाइजर इसका नाम है, जो कि आपको Amazon Flipkart पे देखने को मिल जाएगा दोस्तों। आप वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस वीडियो स्टेबलाइजर की, तो काफ़ी अच्छे प्राइस में आपको ये मिल रहा है। नॉर्मली जो गिम्बल्स हैं 20,000 30,000 40,000 रुपीज़ के बजट में आते हैं, उनमें आप कोई सा भी DSLR अपना फिक्स कर सकते हो। नॉर्मली स्मार्टफोन के लिए ये कॉस्ट थोड़ा सा कम हो जाती है, लेकिन अगर हम बात करें DSLRs की तो वहाँ पे ये कॉस्ट काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। मतलब 40,000 रुपीज़ में एक आपका अच्छा वीडियो स्टेबलाइजर मिलता है, जो कि हम गिम्बल जिसको बोलते हैं दोस्तों। लेकिन गिम्बल की मतलब जो बजट है वो काफ़ी हाई है, और आपका बजट अगर इतना नहीं है तो आपके लिए इस जो ये जो वीडियो स्टेबलाइजर है वो एक अच्छा ऑप्शन है, फ्लाईकैम 3000 दोस्तों। तो आज इसकी अनबॉक्सिंग होने वाली है, यहाँ पे बॉक्स मेरे पास में है, इसके साथ मैंने बॉडी पॉट भी इसका ख़रीदा है। तो दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना, मैंने पूरी असेंबलिंग भी इसकी करी है, शुरू से लेकर लास्ट तक बताया है कि कौन सा पार्ट कहाँ पे यूज़ होगा, किस तरीके से इसको ज्वाइंट करना है, किस तरीके से इसको असेंबल करना है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगे दोस्तों। मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हो गैजेट्स एंड टेक्नोलॉजी चैनल को। आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, उसके बाद में जो बेल आइकन आएगा उसको जरूर दबाना, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। ये जो गैजेट है ना स्पेशली प्रोफेशनल से काफ़ी फ़ायदा देने वाला है दोस्तों। तो देखते रहिए इस पूरी अनबॉक्सिंग को और ज़रूर कमेंट में बताइए कि कैसे लगी ये वीडियो आपको। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास में फ्लाईकैम 3000 वीडियो स्टेबलाइजर का ये बॉक्स है, और ये दो बॉक्स की पैकेजिंग में आया था, ये वाला बॉक्स इसी के अंदर था। इसके साथ में जब मैंने इसको परचेज़ किया तो मैंने दोस्तों यहाँ पे एक्सेसरीज़ के साथ में इसको परचेज़ किया, जो कि यहाँ पे बॉडी पॉट के साथ में आता है। अगर आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि काफ़ी वेटेड है, कैमरे के साथ में 7-8 किलो के आसपास हो जाता है कंप्लीट सेटअप, तो यहाँ पे आपको बॉडी पॉट की ज़रूरत तो पड़ने वाली है दोस्तों। तो ये कुछ उसकी एक्सेसरीज़ हैं, इसको मैं खोल के आपको नहीं दिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये कुछ बेल्ट हैं, ये इसके कुछ हैंडल्स हैं दोस्तों, इसको आपको बॉडी पे सेट करके इसको रखना पड़ेगा अगर आपको वीडियो में ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए विदाउट एनी हर्डल्स, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे बेल्ट आती है, वो उसके साथ में लगेगी दोस्तों। और ये कुछ यूज़र मैनुअल्स हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये कुछ हैंडल्स हैं, ये सब पकड़ने के काम आएंगे, हालांकि मैंने भी अभी ये यूज़ नहीं करे हैं दोस्तों। वीडियो में स्टेबिलिटी का मेन पर्पज़ है ये सारी चीज़ें, क्योंकि इतनी सारी एक्सेसरीज़ हैं तो वीडियो में स्टेबिलिटी तो आनी बनती ही है दोस्तों। नॉर्मली इसका जो अल्टरनेटिव है वो है गिम्बल, लेकिन उसकी कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा पड़ जाती है, लगभग अगर आप लेने जाते हो तो 30,000 रुपीज़ से ऊपर के ही आपको गिम्बल्स मिलते हैं, स्पेशली DSLRs के लिए। अगर आप स्मार्टफोन के लिए परचेज़ करते हो तो कॉस्टिंग काफ़ी डिक्रीज़ हो जाती है, लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं DSLR की, चाहे वो कैनन हो, निकॉन हो, सोनी हो, पैनासोनिक हो, या फिर कोई भी अदर ब्रांड्स हो जो DSLR बनाते हैं, चाहे रेड कैमरा आप यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए आपको नॉर्मली गिम्बल्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हैवी आइटम है कैमरा, एक हैवी इक्विपमेंट्स होता है। नॉर्मली अगर आप लेंसेज यूज़ करते हो तो 2-2.5 किलो के आसपास वो पहुंच जाता है, अगर आप कोई प्रोफेशनल लेंस यूज़ कर रहे हो उसमें। तो ये जो स्टेबलाइजर है 3-7 किलो तक का वेट लोड करके चल सकता है, और कुछ दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। बता रहे हैं कि पूरा ही एल्यूमिनियम बॉडी का ये बना हुआ है, उसके बाद में देखते हैं कि किस तरीके से ये बना हुआ है दोस्तों। और ये इसके यूज़र मैनुअल हैं, जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं। यहाँ पे यूज़र मैनुअल का बहुत बड़ा खेल है जब आप शुरू में इसको परचेज़ करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ऐसा तरीके से इन्होंने इसको डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ने ही वाली है। तो एक बार मैं थोड़ा सा इस बॉक्स को साइड करता हूँ और मेन बॉक्स पर आता हूँ दोस्तों। ये वाला है इसका मेन बॉक्स, जो सबसे मेन है वो है ये वाला फ्लाईकैम की यहाँ पे ब्रांडिंग आपको मिलती है, और इसके अंदर दोस्तों सारा ही खेल है। मतलब जो जो डिवाइस है, जो हम प्रोडक्ट देखना चाहते हैं, वो कंप्लीट इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। इस कर्टन को मैं साइड रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों इस फ्लाईकैम के बॉक्स को ओपन करते हैं। काफ़ी भारी है, लगभग अगर मैं वेट की बात करूँ तो 2.5 से 3 किलो के आसपास इसका वेट है। मैं इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, और
ये है दोस्तों, काफ़ी अच्छी तरीके से कंपनी ने इसको पैक किया है, इसको साइड रखते हैं। सबसे पहले खोलता हूँ मैं ये दोस्तों सबसे टॉप का पार्ट है, इस पर आपका कैमरा होल्ड होता है। इसको भी मैं खोल के दिखाता हूँ। ये वाले जितने आइटम्स हैं सब मैं आपको खोल के दिखाऊंगा वन बाई वन, ठीक है दोस्तों। तो ये है, ये आपको मालूम है कि कैमरे में लगता है ये वाला पार्ट, इसको आप रिमूव कर सकते हो। इसमें रिमूव करने का ऑप्शन है, एक एक करके इन स्क्रूज को आप रिमूव कर सकते हो। तो ये हो गया ये वाला पार्ट, इसको मैं यहाँ पे साइड में रख लेता हूँ दोस्तों। उसके बाद में आते हैं इसमें दोस्तों, ये वाला पार्ट है इसमें, इसमें तीन ऑप्शंस आपको मिलते हैं। इसमें टॉप पैड है, बॉटम पैड है और एक मिडिल पैड है। तो इसको भी यहाँ पे साइड में रख लेते हैं। ये वाला दोस्तों इसका टॉप पैड है और ये वाला बॉटम है जिस पे ये बना हुआ है, और बाकी ये वाला इसका मिडिल वाला पार्ट है दोस्तों। तो ये इसके ऊपर ऐसे तरीके से फिक्स होता है। उसके लिए आपको इन स्क्रूज को रिमूव करके इन कहीं होल्स में फ़िक्स करना होता है। उससे पहले आपको इसको खोलना होता है दोस्तों। तो ये मैं आपको अभी खोल के बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार सारे आइटम्स को मैं बैग से बाहर निकाल के आपको बता देता हूँ। कुछ एक्सेसरीज़ मिल रही हैं, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी आपको इनकी पड़ने वाली है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें इन इक्विपमेंट्स की, तो जैसे ये खोलने के लिए आपको यूज़ में आएगा। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों आपको स्क्रू ड्राइवर की तरह आप ये आइटम है इसको आप यूज़ में ले सकते हो। बाकी दोस्तों आप देख सकते हो कि बॉक्स में कुछ और भी आइटम्स हैं जो कि मेन आइटम्स हैं। ये है दोस्तों जो मेन स्टेबलाइजर है स्टेबल करने के लिए, ये है दोस्तों। आप देख सकते हो कि इसमें रिंग्स हैं, ये हर डायरेक्शन में मूव करता है, लेफ्ट राइट। यहाँ पे आपको फ्लाई कैम की ब्रांडिंग मिलती है, फ्लाई कैम 3000 ये लिखा हुआ है। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, और इस पर पॉलिथीन रैप है, पूरा ही एल्यूमिनियम का बना हुआ है, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। अच्छी क्वालिटी है जिस हिसाब से इन्होंने डिवाइस को बनाया है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी यहाँ पे दी है। हैंडल भी इसका काफ़ी अच्छा है दोस्तों, यहाँ पे मतलब होल्ड करने में आपको सिंगल हैंड से कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। बाकी ये बॉटम पार्ट है इसका, आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे कुछ स्क्रू यहाँ पे फिट होने वाला है। इसको भी एक बार साइड रख लेते हैं और इसका फाइनल आइटम निकालते हैं दोस्तों, जो कि है इसके बॉटम वाला पार्ट, जो सबसे नीचे लगेगा। बैलेंसिंग व्हील्स हम इनको बोल सकते हैं, बैलेंसिंग पैड हम इसको बोल सकते हैं, जो भी आप नाम देना चाहो अपने हिसाब से। मैंने जो अपना इसको नाम दिया है बैलेंसिंग व्हील्स नाम दिया है, नीचे वाला पार्ट है व्हील्स की तरह दिखते हैं, इसलिए व्हील नाम इसको दे दिया है। इसको बॉक्स से बाहर निकालते हैं, ये काफ़ी वेटेड पार्ट है। और अब मैं इस जो पूरी पैकेजिंग है इसको आपको एक बार दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से आती है। इसको साइड कर लेते हैं एक बार और बाद में बात करते हैं इसके बारे में दोस्तों। इस वाले पार्ट का कुछ अहम रोल है, आप दिखा देता हूँ मैं आपको। यही पूरा वेट मैनेजमेंट का खेल है इसमें। अगर आप बाहरी कैमरा यूज़ कर रहे हो, बाहरी लेंसेज हैं, तो आपको कंप्लीट वेट इसमें रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप इसको भी रिमूव कर सकते हो, इसमें से जो वेट है उसको आप वन बाई वन इसमें हटा सकते हो दोस्तों। बाकी यहाँ पे इसको भी आप डायरेक्टली यहाँ से रिमूव कर सकते हो। ये दोनों के साथ में हो सकता है, मैं आपको अभी एक के साथ में करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। बाकी थोड़ा सा असेंबल करके मैं आपको दिखाता हूँ इसको, जो फ्लाई कैम 3000 है वीडियो स्टेबलाइजर है, इसको एक बार पूरा असेंबल करके आप दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप इसको असेंबल कर सकते हो। बहुत शॉर्ट मैं आपको बताऊँगा, ताकि मतलब ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। बाकी आप अपने हिसाब से इसको फिक्स कर लेना दोस्तों। सिंपली फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको ये बॉटम वाला पार्ट लेना है और ये वाला पार्ट लेना है दोस्तों, और उसके बाद में इसको इस पर फिक्स करना है, ठीक है, पहला पार्ट। उसके बाद में जो दूसरा इसका पार्ट है वो है दोस्तों इसका ये वाला पार्ट, ठीक है। आपको ये दो स्क्रूज यहाँ पे रिमूव करने हैं। इसके लिए आपको कोई यूज़र मैनुअल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ। इसके बाद में इस पर सेट करना है, यहाँ पे आपको होल दिखते हैं ये वाले, ये देख सकते हो आप। मैं थोड़ा सा और इसको कैमरे को फोकस करता हूँ, आई होप कि आपको दिख जाएगा। एक बार मैं फोकस करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, अब दिख रहा है ये वाला जो होल वाला पार्ट है। उसके बाद में आपको यहाँ पे इसको टाइट करना है, ठीक है, और इसको इस तरीके से फिक्स करना है। मैं एक बार और जूम करके आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ठीक है, ताकि क्लैरिटी अच्छे से आए। ये वाला पार्ट है, ठीक है, सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, इन चारों ही स्क्रूज को रिमूव करना है एंटी क्लॉकवाइज घुमा के, और ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है ये एकदम से बाहर आ जाएगा। जैसे ये बाहर आएगा तो यहाँ पे स्पेस खाली बच जाएगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये वाला टॉप वाला पार्ट लेना है। इसमें तीन पार्ट मैंने बताया ना आपको, ये वाला बॉटम है, ये वाला मिड पार्ट है और ये वाला टॉप पार्ट है दोस्तों। तो इस टॉप वाले को आपको कुछ इस तरीके से फिक्स करना है, ये दो स्क्रू इसके नीचे आ जाएंगे और आपको इस तरीके से यहाँ पे फिक्स करना है। ये मूवमेंट्स होती हैं, इस मूवमेंट्स को फिक्स करने के लिए ये वाले स्क्रूज हैं, इसको आप टाइट कर लोगे तो एक जगह पे ये सेट हो जाएगा। जब ये कम्प्लीटली सेट हो जाता है, उसके बाद में आती है DSLR को फिट करने की बारी। लेकिन DSLR को आप इस पर तो फिट नहीं कर सकते हो, लेकिन इस पर कर सकते हो ना, तो इसके लिए आपको नॉर्मली
इसको इसके साथ में सेट करना है और इसके ऊपर आपको DSLR को यूज़ करना है दोस्तों। तो ये सेटअप कुछ इस तरीके का हो जाता है, आपको दिखा दे एक बार, लेटा के दिखाता हूँ। मतलब इस तरीके से ये बन के तैयार हो जाता है। करने में बहुत टाइम लगेगा, ये वीडियो कम से कम 20-25 मिनट का हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी एक स्क्रूज इसमें 1x1 खोलने पड़ते हैं और इसको 1x1 सेट करने पड़ते हैं। तो 3-4 स्टेप का मामला है। एक छोटा सा स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। इसको नीचे सेट करने के लिए ये यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आपको रिमूव करना है और इसको फिर यहाँ पे जब यूज़ हो जाए उसके बाद में इसको लगा दें। एक और पार्ट है इस जो ये बॉडी है, ये जो इसका जो फ्लाई कैम का बैलेंसिंग जो स्टिक है, इसको आपको क्या करना है, इसको लंबा छोटा भी आप कर सकते हो अपने हिसाब से। इसकी लेंथ को आप इंक्रीज़ यहाँ से कर सकते हो, देखो मैं करता हूँ, ये देखिए है ना, इसको इंक्रीज़ कर दो और इसको डिक्रीज़ भी आप कर सकते हो। तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट है इसमें। बाकी ये रिमूव भी हो जाता है इसके हिसाब से, अगर आपके पास में कोई और ज़्यादा लेंथ वाला है तो उसको भी आप यहाँ पे यूज़ में ले सकते हो दोस्तों। तो ये सारा मामला है फ्लाई कैम 3000 को अनबॉक्सिंग से लेकर इसको असेंबल करने तक का। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए नीचे, कोशिश करूँगा इसका जवाब देने की। बाकी यूज़र मैनुअल तो आपको मिल ही रहे हैं दोस्तों, और आपको स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है इन सबको असेंबल करने के लिए। तो ये सारी हैं बातें। बाकी दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा ये फ्लाई कैम 3000 जो स्टेबलाइज़र है, वीडियो स्टेबलाइज़र है इसका, वीडियो आप ज़रूर बताना। आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो ज़रूर बताइए कमेंट में। बाकी प्रोफेशनल्स के लिए काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। लास्ट में ज़रूर बताना चाहूँगा दोस्तों, इसका एक कम्प्लीट छोटा सा एक रिव्यू देना चाहूँगा अपने तरीके से। मैंने जितना इसको देखा, मैंने कुछ इसमें टेस्ट भी किए हैं अपने, मुझे काफ़ी पसंद आया ये प्रोडक्ट। जिस प्राइस में मैंने इसको परचेज़ किया है ना, उस प्राइस में बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। बाकी यहाँ पे अगर आपके पास में थोड़ा बजट हाई है, आपके पास में ज़्यादा पैसे हैं, तो आप गिम्बल को भी परचेज़ कर सकते हैं। वो इजी टू कैरी, इजी टू यूज़ ऑप्शन है। बाकी इसमें थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी हो जाएगी और इसमें इसको यूज़ करना आपको सीखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है इसकी, वो ये है कि आप अगर कोई प्रोफेशनल शूट करने जाते हैं, कोई इवेंट आप मोशन में मूवमेंट्स में शूट करते हैं, तो उस टाइम पर आप को ये प्रोडक्ट अच्छे से आना चाहिए, इसको यूज़ करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आप वीडियो में अच्छी स्टेबिलिटी लेके आ पाओगे दोस्तों। तो बस ये सारी हैं बातें। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।